दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अपडेट्स दैट मैटर्स में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लेखपाल भर्ती से रिलेटेड उज्ज्वला प्रश्न संबंधित आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी और जो आपका केस है वो CL नंबर 49 पर लगा हुआ था। बीच के कुछ केस जो है वो डिलीट कर दिए गए थे, जिसकी वजह से जो है कुछ जल्दी जो है आपके केस का सुनवाई हुई और उसका जो है ऑफिशियल स्टेटस आ चुका है, जिसको हम आपको दिखाने वाले हैं। और आज की सुनवाई संबंधित पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। उससे पहले जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आगे आने वाली हर एक अपडेट मिलती रहे। तो जैसा कि आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, जो उज्ज्वला वाला केस है वो आपका पूरी तरीके से डिस्पोज कर दिया गया है। यहाँ पर ये इसका स्टेटस अपडेट हो चुका है। यह डायरी नंबर 24736/2023 जो कि आपका 20 जून 2023 को फाइल हुआ था, उसमें अब आप यहां पर स्टेटस में देख सकते हैं, स्टेटस या स्टेज यहां पर जो केस की है वो डिस्पोज्ड दिखा रहा है। यहां पर जो केस था आपका CL नंबर 49 पर कोर्ट नंबर 13 में लगा हुआ था 21 नवंबर 2023 को। तो यहां से जो जानकारी सामने आ रही है, अभी इसका ऑफिशियली ऑर्डर तो नहीं आया है, लेकिन जो जानकारी निकल के आ रही है वो ये है कि जज साहब ने वहाँ पर जो है बोला कि जो किसी भी विसंगति के मामले में आपके बुकलेट में ही दिया हुआ है कि इंग्लिश वर्जन जो है मान्य होगा, तो यहाँ पर पूरी तरीके से जो है नन ऑफ दी सही आंसर होगा और जो भी आगे की प्रोसेस है वो ऑप्शन नंबर डी के अकॉर्डिंग की जाए। यानी कि अब इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है नन ऑफ दीज होगा, जो कि पहले उज्ज्वला ऑप्शन नंबर ए था, उसकी जगह अब नन ऑफ दीज जो है सही आंसर मान लिया गया है। बाकी इससे रिलेटेड कोई ऑफिशियल ऑर्डर आएगा तो हम आपके साथ जरूर डिस्कस करेंगे। और कुछ ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि इससे रिलेटेड अब हाई कोर्ट या उसके सबॉर्डिनेट कोर्ट में जो है पिटीशन फाइल नहीं की जाएगी। बाकी जो भी चीज़ें होंगी वो ऑफिशियल ऑर्डर आने के बाद में क्लियर हो जाएंगी। जैसे ही ऑफिशियल ऑर्डर आएगा इसका हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इतना ही अपडेट देना था आप सभी को। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।